हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरा लास्ट साई व्रत है, तो साई बाबा को मैं ऐसे फूल देके सजा रही हूँ। साई बाबा को रोज़ बहुत पसंद है, जस्ट बिकॉज अभी बारिश हो रही है, हम लोग अभी बाहर नहीं जा सकते और मेरे गार्डन में रोज़ भी नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा बारिश जब रुकेगी तभी हम लोग जाके रोज़ ले आएंगे। अभी फ़िलहाल ये येलो फ्लावर में ही सजा देती हूँ। छोटा हवन कुंड भी है, ये मैंने जला के रखा हुआ है। इससे घर इतना सुंदर स्मेल होता है, मैं एक बार दिखा देती हूँ ये क्या है, सामरानी। और इससे घर इतना सुंदर स्मेल होता है, आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करना। पहला प्रसाद खाएगा हमारा हायरो। हायरो खाएगा पहला प्रसाद। तो थैंक यू। नहीं, अच्छे से थैंक यू। ओके, बैठो पहले थैंक यू करो, ऐसे नहीं, अच्छे से हायरो मुझे देख के करो थैंक यू। गुड बॉय। एक्चुअली हमारा जब बर्थडे होता है, हमारा बर्थडे के साथ हम हायरो को भी एक गिफ्ट देते हैं। तो दीप ने दिया है हायरो को एक गिफ्ट, जो कि एक बेड है, बट ये थोड़ा ज़्यादा ही छोटा लग रहा है। पता नहीं वैक्यूम करके दिए होंगे होपफुली, बट बेस्ट सेलर था। हाँ बेड ही, बेड ना, हाँ बेड, हाँ वैक्यूम किया है, बट ये फिर भी छोटा है, हायरो को तो नहीं होगा। पहले खोलो तो सही। हुआ, जल्दी खोलो। वेट। क्यों नहीं होगा? तो ये है उसका बेड, हमने जो ऑर्डर किया है। अरे जा, गो सिट। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सिट, चलो बैठो बाबा, तुम्हारा ही है। डाउन। ठीक ही है उसके लिए, बम वो तो ऐसे ही रहता है, वैसे भी वो भी तो उसी से। ठीक है, सो जाओ, अभी सो जाओ यहाँ पे। फाइनली हायरो को अच्छा लगा अपना बेड, वो सो गया। हायरो को सोना बहुत पसंद है, वो बस खाता है, घूमी घूमी करने जाता है और फिर सो जाता है। घूमी घूमी बोलने से कान थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है। A few moments later. दीप और मैं बाहर गए थे रेड रोज लाने के लिए, बट इतना बारिश हो रही थी, फिर हम लोग सोचे कि घर वापस चले जाते। फिर साइड में एक दुकान थी, वहाँ पे नजर गिरा और वहाँ से हम लोग इतना सारा रेड रोज लेके आ गए। तो बाबा को आज रेड रोज पाने का मन है, इसीलिए ये चमत्कार मिल गया हमको। अभी मैं इसे माला बना दूंगी, क्योंकि बहुत सारे रोज है, तो मैं माला बना के बाबा को एक दूंगी। के साथ ये दीप लाया अपना चिक्की, वो खाना खाने के बाद खाता है इसको। ये सारी मुंह भी पैकिंग करें। हाँ, और ये सारे डब्बे लेके आए हैं, क्योंकि आज लोगों को हम खाना खिलाएंगे। और उसके साथ मैं ले आई हूँ ये दो स्टील के डब्बे, मतलब बहुत सस्ते में मिल रहा था और मुझे लगा कि ले लेती हूँ, फिर ले ली। तो अब मैं फिलहाल इसको सब साइड कर लेती हूँ और इससे एक माला बना देती हूँ। तुमको आता है माला बनाना? ना, मुझे आता है, मैं बहुत अच्छा अच्छा मोटा मोटा माला भी बना सकती हूँ। इतना फूल जो पौधा लगाई हो रोज सुबह, फूल का कहाँ लगाने दिए, तुमको तो फ्लावर का इतना पसंद नहीं है। नहीं, तुम एक काम करो, लगा लो अभी। हाँ। जितना फूल होगा सुबह सुबह लेके चादर बिछा के सोसाइटी के बाहर बैठ जाना। माला बनाना, दीप हर एक चीज में खाली बिजनेस खोजता है। और ये मेरा एक छोटा सा माला भी बन गया है, क्योंकि मेरे बाबा भी छोटे हैं, तो मैंने छोटा माला बनाया है, अभी उनको पहना देती हूँ। बाबा को मैं पूरा रोज में से सजा दी हूँ, उनको रेड रोज बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आज स्पेसिफिकली रेड रोज में ही सजाया हुआ है। और ये जो छोटे डब्बे लेके आई थी, एक डब्बे में मैंने सिंदूर भर के रख लिया और इसमें फिलहाल मैं कुछ नहीं रखी हूँ, जब मुझे ज़रूरत जिसका आएगा तभी मैं रखूँगी।
फर्स्ट ब्लैक कॉफी, उसके बाद चाय, उसके बाद अभी दूध वाला कॉफी, और फिर कुछ टाइम के बाद और क्या, सर्दी का मसाला। प्रेशर कुकर में मैंने मटर बिठा दिया है और यहाँ पे आलू बॉइल करने में बिठा दी हूँ। अभी बस ये सब्जी बनाऊंगी और उसके साथ करूंगी पूरी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीनट्स को एयर फ्राई कर लूंगी 10 मिनट के लिए 200 डिग्री टेम्परेचर में। ये मेरा पीनट्स हो गया है, ठंडा होने के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ दूंगी और फिर इसका जो ये है निकल जाएगा। ऐसे ही हमेशा मैं पीनट्स को एयर फ्राई में ही करती हूँ। और यहाँ पे ठंड हो गया है और ठंड होने के बाद इसको निकालना बहुत इजी हो जाता है, ऐसे करने से ही निकल जाता है। और मैं यहाँ पे रसोई कर रही हूँ और हायो यहाँ पे से सो रहा है, उठ गया, सो जा। ये मैं करूँगी विदाउट ऑनियन गार्लिक वाला मसाला, इसलिए मैं इसके अंदर डाली हूँ अदरक, ब्लैक पेपर, इलायची, दालचीनी बस। और फिर ऐसे टमेटो कट करके रखी हूँ, इसको ग्राइंड करने के बाद टमेटो को डाल दूँगी। रिफाइंड ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया है, उसके अंदर मैंने डाल दिया तेज पत्ता, इलायची, दालचीनी और जीरा। और ये जब हो जाएगा एक स्मेल निकलेगा, उसके बाद मैं डाल दूँगी मसाला। और ये अभी हो गया है तो मसाला डाल दूँगी। यहाँ पे मेरा मसाला पूरा अच्छे से हो गया है क्योंकि ऑयल ऊपर आ गया है, तो यहाँ पे मैंने जो मटर आलू प्रेशर कुकर में रखी थी इसको डाल दूँगी और फिर मटर आलू को अच्छे से मसाला के साथ मिक्स करना है। टोटल मैं 10-15 जन के लिए बनाई हूँ, इसीलिए मैं बहुत सारा मटर को बॉयल करी हूँ। तो अभी बॉयल होने में लगा है, मैं थोड़ा गर्म मसाला डालूँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और फिर मैं डालूंगी कोरिएंडर लीव, अभी ये इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी। ये हो गया और ये वाली सब्जी भी मेरा हो गया था। आलू बटर सब्जी का रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हूँ, वो आप चेकआउट कर लेना, बहुत सिंपल है, बहुत टेस्टी है। लंच में मैंने इतना बनाया है बाबा के लिए, अभी मैं उनको भोग दे दूंगी। तो ये 5 मैंने इसे पैक कर लिया है, पूरी दी हूँ 5 और उसके साथ स्वीट्स, ड्राई स्वीट्स है, सोन पापड़ी है और उसके साथ ये मटर आलू की सब्जी। बस अभी पैक करके हम लोग लेके जाएंगे, फिर देके आएंगे सबको। और मैंने जानबूझ के ये वाला लेके आई हूँ क्योंकि इसमें लीकेज नहीं होता है और अच्छे से पैक होके रह सकता है। और सबको घूम घूम के जितना जन को देना था सबको जाके दे दिए साईराम का नाम लेके। अभी एडिट करूँगी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। अभी शाम के टाइम में मैं शाम की आरती करूँगी, फिर थोड़ा सा भोग दूँगी और उसके बाद विसर्जन कर लूँगी। विसर्जन मतलब बस जो कलसी का मैंने स्थापना किया था उसका ही विसर्जन करूँगी। और ये साईं बाबा को मैं हमेशा ही पूजा करती हूँ, तो उनको जहाँ पे रखती हूँ बस वहाँ पे रख लूँगी। दीप के अंदर घुस के फिर वो प्रणाम कर रहा है, ऐसे प्रणाम नहीं होता बाबा, अकेले अकेले प्रणाम करो। प्रणाम करो पहले, सिखाए वो पिजड़ी। ये वो सीड्स नहीं खाते, इसको सीड्स को निकाल के देती हूँ। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, जस्ट अभी खत्म हुआ, बहुत टायर्ड लग रहा है तो रेस्ट करूंगी अभी, फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ कल एक फ्रेश वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। टिल देन टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।